Delhi World Public School, India's #1 emerging school, जहाँ है academics, sports and performing arts का बेहतरीन combination. Admissions open from pre-nursery to 9. ये सारा पपीते जैसा नुकसान हो गया खाली करेंगे आम की तो दो गाड़ी आम की। हाँ ये आम की तो है क्या क्या चीज़ की आम है बादाम पपीते कार्टून फेंक के पूरे ठेर तक हुआ तक ठेर तक फेंके हुए ये पूरा पपीता है। ये देखो पपीता पूरा पड़े देखो। हाँ ऐसे देखो बिल्कुल। अजमेर की एक ही मंडी है ये फ्रूट और सब्जी की, और फ्रूट सब्जी वालों को नुकसान काफ़ी झेलना पड़ रहा है। इसका कोई आंकड़ा फिक्स नहीं है पर रोज़ करीब नुकसान है। फ्रूट मंडी को 1 से 1.5 लाख रुपए का रोज़ का नुकसान है पूरी मंडी का, छोटा मोटा सब्जी मंडी फ्रूट मंडी के दोनों को 1-1.5 लाख रुपए रोज़ नुकसान है। भैया जो सब्जी आ रही है फ्रूट क्या रोज़ चल निकल जाते हैं या ख़राब भी हो रहे हैं? नहीं जी, बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। सब्जी का भारी नुकसान है, सब्जी कुछ मात्रा में फेंकनी पड़ रही है, फ्रूट का नुकसान है। फ्रूट कुछ हम लोग स्टोर कर रहे हैं पर स्टोर से निकालने के बाद भी हमारे को भारी नुकसान पड़ रहा है। किसान कितने परेशान हो रहे हैं? किसानों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। किसान बेचारे माल लेके आते हैं, उनको वापस ले जाना पड़ रहा है, मंडी में पहुंच नहीं पा रहा माल तरीके से। कितने दिन पहले जैसे सब्जी आ जाती है और फ्रूट आ जाता है वैसे आपके पास सब्जी और फ्रूट? सब्जी सेम डे आ जाता है, फ्रूट हमारा अंगूर तीसरे दिन मंडी होती है। तीसरे दिन में हमारे को पता नहीं होता है कि दूसरे दिन मंडी खुलेगी नहीं खुलेगी, और अंगूर अगर एक दिन में बिक जाता है ठीक है, दूसरे दिन हमारे अंगूर को फेंकना पड़ता है। किस जगह मंडी है, कहाँ पर है यह मंडी? ब्यावर रोड रामगंज, एक ही मंडी है सब्जी और फ्रूट की, पूरे अजमेर में सबसे बड़ी एक ही मंडी है। जब तक लॉकडाउन चलेगा तब तक क्या होगा आपको? सब तक लॉकडाउन अगर चलता है हमारा सहयोग रहेगा गवर्नमेंट को, अगर ज़्यादा दिन तक ये रहेगा तो हमारे को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। आपका नाम? प्रशांत भोजवानी। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए।